पिछले विधानसभा चुनाव में 35,000 मतों से हार का सामना करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धुर्वे को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। वहीं धुर्वे अपनी सीट बदले जाने से परेशान हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 39 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। डिंडोरी जिले के एसटी की आरक्षित सीट शाहपुरा विधानसभा से पिछली बार चुनाव में 35,000 मतों से हार का सामना करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धुर्वे को टिकट देकर पार्टी ने पुनः भरोसा जताया है। जबकि ओम प्रकाश धुर्वे इस बार डिंडोरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। आपको बता दें कि उमा भारती और शिवराज सरकार में दो बार मंत्री रह चुके आदिवासी नेता ओम प्रकाश धुर्वे को टिकट मिलने से लोगों में नाराजगी है। शाहपुरा की जनता ओम प्रकाश धुर्वे के कार्यकाल से नाखुश दिखाई दे रही है। जनता का कहना है कि बीजेपी ने ओम प्रकाश धुर्वे को पुनः टिकट देकर गलती की है, क्योंकि उन्होंने विधायक और मंत्री रहते अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं कराया। हमारी जो डिंडोरी मंडला और अपनी शाहपुरा जो आता है विधानसभा में, जिसमें आदिवासी का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, और आज के समय में जनता जागरूक है, और पिछले बार जो है कांग्रेस को भारी मतों से जिताया रहा, जिसमें 34,000 से इस बार कहो तो 60-65,000 की लीड भी दे सकता है कांग्रेस। देखिएगा, वो तो बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन क्योंकि ये आदिवासी जिला है और आदिवासी जिले का जो उत्थान होना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 18 वर्षों से 20 वर्षों से चल रही है मध्य प्रदेश और के अंदर, तो डिंडोरी जिले में इस सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे कि इस जिले का उत्थान हो। नहीं, टक्कर तो भूपेंद्र मराबी की रहेगी, ओम प्रकाश की हो सकता है नहीं रहेगी, इसलिए कि पहले क्षेत्रीय विधायक रह चुकी है वो, और उसका आव भाव ठीक नहीं। हम ग्राम मंगेला के रहने वाले हैं, तो हमारे गांव में जाकर के विवादित भी बनवाए हैं वो नल जल योजना में, और जो 50 रुपये जो पर महीना पटना था वो हमारे गांव विवादित की स्थिति में, वो साल दो साल तक हम लोगों को पानी के लिए मुसीबत में डाले थे। ओम प्रकाश धुर्वे मूल रूप से डिंडोरी में करंजिया विकासखंड के रूसा गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में डिंडोरी में निवास करते हैं। 2008 में डिंडोरी से ओमकार मरकाम ने उन्हें चुनाव में 32,000 मतों से हरा दिया था। इसके बाद एक बार फिर 2018 में शहपुरा से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के भूपेंद्र मरावी से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के लोगों ने झूठ बोल करके जनता को बरगला के वोट लेने का प्रयास किया, जैसे कि उन्होंने कहा कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं किया। बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 8वीं 10वीं 12वीं पास एक को किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। इसी प्रकार समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, जमाने भर के लोगों में भ्रम फैला करके पेशा कानून लाएंगे, ऐसा जो अभी डॉक्टर हीरा लाल अलावा है ना, वो कांग्रेस से है ना, है ना, तो ये आदिवासियों में आदिवासी जमाने भर के भ्रम फैला करके, लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ मठा को भी छाछ को भी एक फूंक के पीता है, तो अब जनता का जीभ जल चुकी है और वो सब फूंक करके सब ठोंक बजा के ही वोट देंगे। ओम प्रकाश धुर्वे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता भी एक राय नहीं है। वहीं इस बार कांग्रेस को लगता है कि धुर्वे के कारण उनके प्रत्याशी की जीत की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। समय जब ये खाद्य मंत्री जी थे माननीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, तो सोसाइटियों में गेहूं नहीं मिलती थी, चावल नहीं मिलते थे, घटिया किस्म के आते थे। अभी तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि काफी समय से मिट्टी तेल नहीं मिल रहा सोसाइटियों में, शक्कर नहीं आ रहा है, उसी समय से बड़ा आक्रोश चल रहा था। और जहाँ भी जाते थे, मतलब जो पंचायत के पैसे होते थे उस पर भूमि पूजन होता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार अपना प्रत्याशी खड़ा करके जनमत हासिल करने के प्रयास करते हैं, पर जनता उन्हें अस्वीकार करती है और भविष्य में भी अस्वीकार करेंगे। और जिस तरह से उनकी मंशा है वो जनता समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति सिर्फ व्यवसाय के लिए करते हैं, जनहित का कोई काम नहीं करते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।